जर्नी को जो काफ़ी क्लोजली आपने देखा है, क्या आपको लगता है वो एज अ विनर, अगर एलविश नहीं आते, कभी भी वाइल्ड कार्ड नहीं होती, तो वो एज अ विनर परफेक्ट कैंडिडेट थे, आपको लगता है ये? वेल, अगर आप मुझसे पूछे हो ना पर्सनल नोट, तो मैंने उसमें एक विनर और लीडर का पोटेंशियल या फिर वो पर्सनालिटी नहीं देखी थी, लेकिन अगर एल्विश एंटर नहीं करता बाय पब्लिक सपोर्ट एंड फैन बेस, वो ज़रूर जीतता। मैं और पूजा मैम ये बात कर रहे थे, एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट कि वो काफ़ी एक्साइटमेंट जता रही थी, शो ऑफ कर रही थी कि फिल्मों में ऑलरेडी उसके पास इतना काम है ये वो, बट पूजा मैम ने कहा कि शी इज़ नॉट अ हीरोइन मटीरियल, एंड आई टोटली एग्री विद दैट, बिकॉज जो ह्यूमिलिटी और डाउन टू अर्थ नेचर और प्रोफेशनलिज्म इंसान में होना चाहिए वो हमें उसमें नहीं दिखा, तो मुझे भी पर्सनली नहीं लगा। लेकिन आपने जी बिल्कुल। मैं यही कहना चाहूँगी कि शो की शुरुआत से, अभी देखिए मैं फेस रीडर हूँ, इंसान का चेहरा देखती हूँ और समझ जाती हूँ उसके मन में क्या चल रहा है या वो कैसी पर्सनालिटी है, तो अभिषेक में बहुत जुनून है जीतने का और अपना बेस्ट भी दे देता है, कभी कभार अपने मॉरल्स पूरे साइड में कर देता है, बट अपने आप को आगे थ्रो करता है और अपने आप को ऑलरेडी एक विनर परसीव करता है। मैं भी अपने आप को ऑलरेडी एक विनर परसीव करके उस घर में गई थी, तो वहाँ मैं उससे बहुत कनेक्ट करती हूँ और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट जी हाँ, पूजा मैम और मुझ में एक इंट्यूशन है, हम सेंस कर लेते हैं, हम इंसान को जल्दी परख लेते हैं बड़ी आसानी से, और एल्विश को बस मैंने स्क्रीन पे एक टास्क में देखा था, वो घर में आया नहीं था, और मैंने कहा था ये इंसान मुझे घर में चाहिए, तो मैंने आपको क्या लगता है एल्विश के? देखिए अभी फेस रीडिंग का एक रूल होता है कि आपको सच बोलना है, अब वो सच कड़वा भी होता है और कभी मीठा भी होता है, तो जिसको अपने बारे में बोली गई चीज़ या बात पसंद नहीं आती वो उसे अक्सर गलत समझते हैं और ईगो में आके और यू नो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है, तो हाइपर हो जाते हैं, और अभिषेक का उसमें रिएक्शन सबसे ज़्यादा दिखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं गलत फेस रीडिंग करती हूँ। हाँ, एस्टिमेशन मेरे थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, वो भी बहुत छोटे मात्रा में, बट गलत तो नहीं कह सकती, क्योंकि इवेंचुअली वक्त के साथ ही आपको पता चलेगा। एल्विश में मैंने हमेशा पोटेंशियल देखा था और मैं हमेशा सोचती थी एल्विश जीतेगा कम्पेयर टू अभिषेक, तो वो हुआ है।